तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरह लीनियर इनर्शिया हमने स्टडी किया था कि बॉडी का ऐसा करैक्टर है कि अगर वो रेस्ट पे हो तो चाहता है कि मैं रेस्ट पे रहूं, और अगर मूव कर रहा हो या बॉडी मूव कर रही हो तो उसकी कोशिश होती है कि मेरी मोशन को डिस्टर्ब ना किया जाए। इसी तरह रोटेटिंग बॉडी में या कोई बॉडी एंगुलर मोशन में हो उसका भी ये करैक्टर होगा कि अगर मैं रोटेट कर रही हूँ या सर्कुलर मोशन में हूँ तो मेरे इस स्टेटस को चेंज ना किया जाए। तो बॉडी का ये करैक्टर कि जिसमें बॉडी की कोशिश होती है कि मेरे एंगुलर स्टेटस को चेंज ना किया जाए उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रिजिस्ट ऑल द काजेज दैट वांट्स टू चेंज इट्स एंगुलर स्टेटस। बॉडी का वो करैक्टर जिसकी वजह से बॉडी की कोशिश होगी कि मेरे एंगुलर स्टेटस को चेंज ना किया जाए। अगर मैं रोटेट कर रही हूँ या फैन है ये रोटेट कर रहा है तो आप इसका स्विच ऑफ भी कर दें तो बाद में भी ये काफ़ी देर रोटेट करता रहेगा। उसकी वजह क्या है, इसका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेस पे रोटेटिंग बॉडी की कोशिश होती है कि मेरी रोटेटिंग स्पीड को ज़्यादा भी ना किया जाए, मेरी रोटेटिंग स्पीड को कम भी ना किया जाए। मैं रोटेट हो रही हूँ तो मुझे रोका ना जाए, और अगर मैं रुकी हुई हूँ तो मुझे रोटेट ना किया जाए। तो बॉडी की कोशिश होगी कि मेरे एंगुलर स्टेटस को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इस करैक्टर को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रोटेटिंग बॉडी के लिए है सिग्मा एम आर स्क्वायर। ये समेशन क्यों आई है ये अभी हम कुछ एग्जांपल्स में देख लेंगे। तो ये समेशन डिफरेंट रेगुलर शेप बॉडीज के लिए सॉल्व भी की गई है। रेगुलर शेप बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट भी किया गया है, वो हम लिख लेते हैं। अगर बॉडी की शेप जो है वो स्फेरिकल है, कौन सी शेप है जी, स्फेरिकल, और वो फील्ड है मतलब खाली नहीं है अंदर से, स्फेरिकल बॉडी है मुकम्मल तौर पे फील्ड है जैसे हमारी अर्थ है या क्रिकेट का बॉल हॉकी का बॉल, अंदर से खाली नहीं है, हालो नहीं है, फील्ड स्फीयर है। तो कोई भी फील्ड स्फीयर है, ठीक है, और ये रोटेट हो रही है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है आर, आर इसका रेडियस है और ये रोटेट हो रही है। तो तब हम कहेंगे कि इस स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 2/5 मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर। ये मतलब फार्मूला जो है स्फेरिकल बॉडी के लिए है, और स्फेरिकल बॉडी नंबर टू। सेकंड नंबर पे ए डिस्क या सिलेंडर, डिस्क या सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 1/2 mr² के। अगर डिस्क या सिलेंडर अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट हो रहा हो, मतलब ये एक डिस्क है, फॉर एग्जांपल 5 rupees का कॉइन है या कोई और डिस्क है, ये इसका एक्सिस है और इसी एक्सिस के गिर्द ये डिस्क जो है वो रोटेट हो रही है, तो तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² से निकलेगा। सिमिलरली सिलेंडर में भी ऐसे ही है, सिलेंडर के लिए भी ये इसका सिलेंडर का एक्सिस है और इस एक्सिस के गिर्द सिलेंडर जो है वो रोटेट हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² निकलेगा। नंबर थ्री, हूप जिसे रिंग भी कहते हैं, ये रिंग है जी, ये इस तरह से रोटेट हो रही है,
स्कोप, ये इसका वर्चुअल सेंटर है। अब इसके रोटेशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर, दैट इज डबल एज दैट ऑफ डिस्क। तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नस्बत रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होता है। ये मार्कर तकरीबन डिस्क टाइप है, थोड़ी सी कोनिकल है, लेकिन आप इसको डिस्क कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अगर यूँ रोटेट हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर स्क्वायर से निकलेगा, और अगर रिंग होगा तो उसका सिंपली एम आर स्क्वायर से निकलेगा। तो रिंग या हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ज़्यादा होता है, ये मतलब डिस्क से ज़्यादा वैल्यू है, ये स्फीयर से भी ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम जहाँ पे रोटेशन को मेंटेन रखना चाहें वहाँ हम जो रोटेशन को मेंटेन रखने के लिए हम हुप्स लगाते हैं ताकि रोटेशन मेंटेन रहे और वो ज़्यादा देर तक बॉडी घूमती रहे। जैसे सिलाई मशीन में एक हैवी हुप लगी होती है लोहे की, तो आप जब सिलाई मशीन को हाथ से चलाते हैं या मोटर से चलाते हैं तो वो हुप जो है वो उसकी मोशन को मेंटेन रखती है ताकि जो सिलाई है वो सही तरतीब से आए और एक ख़ास सीक्वेंस से आए। इसके अलावा आप देखें जितने टायर हैं वो सारे हुप शेप के होते हैं ताकि रोटेशन को ईजीली मेंटेन रखा जा सके। अगर कोई राड है, कोई राड अगर मूव कर रहा है और वो राड अपने सेंटर के गिर, ये राड है जी, इस राड की यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है या डायमीटर कह लें सेम है, ये इसकी लेंथ है और ये यूं रोटेट हो रहा है, इसकी इस रोटेशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बहुत थोड़ा होता है 1/12 एम एल स्क्वायर। इसमें टोटल लेंथ यूज़ हो रही है, अगर आप इसको हाफ करें रेडियस के तौर पे यूज़ करें तो फिर आप एल की जगह 2R पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल लेंथ हमने यूज़ किया है। तो ये इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये डिफरेंट रेगुलर शेप्ड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सामने लिख दिए गए हैं। इन सब में ये जो समेशन है इसको सॉल्व कर लिया गया है और फिक्स आंसर निकाले गए हैं। अब आते हैं वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। इट इज स्केलर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही एक्ट करता है एंगुलर मोशन में जैसे लीनियर मोशन में मास एक्ट करता है। लीनियर मोशन में जैसे करैक्टरिस्टिक्स मास के हैं, वैसे एंगुलर मोशन में तमाम करैक्टरिस्टिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हैं। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आएंगी जी एम एल स्क्वायर, दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिवेलपमेंट या इसकी अलहदा से तो एक्सप्रेशन की डेरिवेशन नहीं है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, इनके फार्मूलों में बार बार ये क्वांटिटी अंदर इन्वॉल्व होती है और वहीं से इसको ड्राइव किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉर्क को। अब हम सारी एंगुलर मोशन रोटेशनल लेंगे, तो ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी जैसे ये मार्कर है, कोई रेगुलर शेप भी हो सकती है, इरेगुलर शेप भी हो सकती है, और ये जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा यूँ, तो ये बॉडी यूँ रोटेट हो रही है। अब रोटेशन में हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन है जिसको हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा है और इस पर अप्लाई कर रहे हैं हम फोर्स और ये बॉडी रोटेट हो रही है इस पॉइंट के गिर्द यूँ। इसका हर पार्टिकल बॉडी का रोटेट होगा, अगर मैं बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड कर दूँ और डिफरेंट पार्ट्स में इसकी नेमिंग कर दूँ M1, M2, M3, M4, M5 एंड सो ऑन, पूरी बॉडी को हम छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड कर ले तो हर मैस इस लाइन का जो ये पॉइंट है इसके गिर्द रोटेट हो रहा है, सॉरी सर्कुलेट हो रहा है। तो हर पॉइंट, हर पार्टिकल की मोशन सर्कुलेटरी है जबकि पूरी बॉडी की मोशन जो है वो रोटेटरी है। पॉइंट की मोशन सर्कुलेटरी है और पूरी बॉडी की मोशन रोटेटरी है। जैसे फ़ैन होता है तो फ़ैन में अगर आप फ़ैन के ऊपर कोई पॉइंट लगा लें तो वो पॉइंट की मोशन सर्कुलर होगी लेकिन पूरे फ़ैन की मोशन रोटेटरी है।
वट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन? सर्कुलर मोशन लीनियर में आ जाती है, ये सर्कुलर मोशन है, ये लीनियर में आती है। रोटेटरी मोशन जो है वो बॉडी के किसी अंदर, बॉडी के अंदर ही किसी पॉइंट के गिर्द बॉडी मूव रोटेट हो रही होती है। तो रोटेटरी मोशन पूरी बॉडी की मोशन रोटेटरी है, जबकि हर पार्टिकल की रोटेशन सर्कुलेटरी है। ठीक हो गया, ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन को। तो सबसे पहले हम M1 का टॉर्क फाइंड करेंगे। M1 का जो डिस्टेंस है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो R1 है। M2 का R2 है। तो सबसे पहले टॉर्क हम फाइंड करेंगे M1 का। तो टॉर्क ऑन M1 या ऑफ M1? तो टॉर्क का फार्मूला हमने ऑलरेडी एक सिंपल फार्मूला तो स्टडी किया हुआ है। मैग्नीट्यूड में टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा। हेयर द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द R इज 90 डिग्री। तो हेंस वी कैन से दैट टा इज इक्वल टू R1, ये पॉइंट M1 के लिए, फोर्स F1 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टा 1 की वैल्यू आ गई R1 F1। अब F इज इक्वल टू MA, ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास R1 M1 A1। F इज इक्वल टू MA हमने पुट कर दिया। नाउ द एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R अल्फ़ा, ये फार्मूला भी हमने ड्राइव किया है। तो एक जगह R अल्फ़ा पुट करें, क्या बन जाएगा? R1 M1 R अल्फ़ा। R से मल्टीप्लाई होगा तो ये M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा, दैट इज़ दी टॉर्क ऑन दी पार्टिकल नंबर और बॉडी और दी स्पेसिफिक M1। M1 जो पार्ट है बॉडी का, उसका ये टॉर्क निकला है। और ये टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टॉर्क से ही एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। टॉर्क से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। सिमिलरली बाकी पॉइंट्स के टॉर्क्स कैसे निकलेंगे? सिमिलरली सेकंड का क्या होगा? वो होगा R2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा। अल्फ़ा के साथ 1-2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रोटेटिंग बॉडी में हर पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगा, इसलिए अल्फ़ा के साथ 1-2 नहीं लगा रहे। 4M3 ये सोन लास्ट M N R N स्क्वायर अल्फ़ा। इन तमाम टार्क्स को ऐड करते हैं, टोटल टार्क निकल आएगा। रोटेशनल टार्क निकल आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 T N। इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है? अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू M N R N स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस अल्फ़ा। अब अगर ब्रैकेट वाली चीज़ को देखा जाए तो इसे हम सिग्मा फॉर्म में या समेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि सिग्मा M R स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू सेम चली जा रही है, सॉरी वैल्यू सेम पैटर्न में है, 1, 2, 3 सिर्फ वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है, पैटर्न फार्मूले का सेम है, तो इसलिए हम 1, 2, 3 N की जगह I इज इक्वल टू 1 अप टू N करके MIRI स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि जनरल टर्म बन जाए और जनरल टर्म्स का सम बन जाए, बल्कि तमाम टर्म्स का सम बन जाए। तो आप अगर देखें तो ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया ये वाला, ये फार्मूले टार्क का जो फार्मूला है, इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर सारा आ रहा है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, तो इसलिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिए। तो टा इज इक्वल टू I अल्फ़ा। तो इट्स मीन कि टार्क की वैल्यू हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फ़ा से निकाल सकते हैं अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो वेक्टरिकली इस फार्मूले को लिखा जाए I अल्फ़ा को, तो भी लिखा जाएगा टा इंटू अल्फ़ा। तो ये आपके पास टार्क का फार्मूला आ गया। तो इधर से एक और रिजल्ट निकलता है कि टार्क है सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा की डायरेक्शन हमने अल्फ़ा के टॉपिक में समझी हुई है कि अल्फ़ा की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। अगर ओमेगा इंक्रीजिंग हो
तो अल्फ़ा ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, अगर ओमेगा डिक्रीजिंग हो, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो, तो अल्फ़ा की डायरेक्शन ओमेगा से ओपोजिट होगी, टार की डायरेक्शन सेम होगी जो अल्फ़ा की है। तो यहाँ से एक बड़ी अहम कंक्लूजन निकली, क्या कि टार्क हैज़ सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन की डायरेक्शन में ही टार्क भी होगा। सिमिलरली जैसे हमने टार्क का टॉपिक किया है, तो अब हम एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वो डिस्कस करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन, ड्यू टू इट्स रोटेशनल इफेक्ट, बॉडी के रोटेशनल इफेक्ट की वजह से उसके अंदर जो मोमेंटम होगा, दैट मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, और इसको एल से डिनोट किया जाता है, एंड दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर मोमेंट आर्म क्रॉस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। अगर हम इस फॉर्मूले को स्केलरली लिखें तो ये बन जाएगा आर पी साइन थीटा। नाउ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, तो यहाँ एम वी आप लिखते हैं, और एंगल 90 का ही बन रहा है डायग्राम, तो आपकी यही चलेगी, तो साइन 90। तो अगर आप फर्स्ट पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो वो होगा एल वन इज इक्वल टू आर वन एम वन वी वन साइन 90। एल वन इज इक्वल टू आर वन एम वन वी वन साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वैल्यू भी पुट करें, ओमेगा सेम होगा सबके लिए इसलिए इसके साथ 1 नहीं लगाया, तो आर वन एम वन फिर v की जगह r ओमेगा हमने वैल्यू पुट कर दी, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ गया जो हमने r क्रॉस p से फाइंड किया है, m r स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली बाकी भी l2 l3 एंड लास्ट इज ln। नाउ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा L1, L2, L3, LN, इन सब में से कॉमन आ रहा है ओमेगा, एम आर एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, ये ओमेगा कॉमन आ गया बाहर, ये आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया। ये ब्रैकेट वाली चीज सिग्मा फॉर्म में आ गई, आ गया आपके पास ओमेगा है, तो ये फार्मूला आपके पास क्या बन गया, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो इट्स मीन कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला वो आई ओमेगा से भी फाइंड किया जा सकता है। तो रिजल्ट क्या निकला, वेक्टर फॉर्म में एल इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर, L इज एंगुलर मोमेंटम हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओमेगा, L की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी है, ओमेगा की है, L हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओमेगा। अब कुछ बातें डायरेक्शंस के मुतालिक देख लेते हैं, तो डायरेक्शंस के मुतालिक दो ही हमारे पास हैं, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, और दूसरी कंडीशन है इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओमेगा इंक्रीजिंग हो और ओमेगा डिक्रीजिंग हो तो क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू अगर बढ़ रही हो या ओमेगा की वैल्यू कम हो रही हो तो क्या कंडीशन होगी, ये अब हमने देखना चेक करना है। पहले ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ओमेगा इंक्रीजिंग हो तो थीटा ओमेगा अल्फा एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क ऑल हैज सेम डायरेक्शन एंड फाउंड बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे बॉडी की रोटेशन के हिसाब से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क, ऑल दीज क्वांटिटीज हैविंग दी
सेम डायरेक्शन। इफ़ ओमेगा इज़ इंक्रीजिंग, अगर पंखे की स्पीड तेज़ हो रही है, अगर टायर की स्पीड तेज़ हो रही है, किसी भी रोटेटिंग बॉडी की स्पीड में इजाफा हो रहा है, घूमने की स्पीड बढ़ रही है, तो सबकी डायरेक्शन सेम होगी। और अगर ओमेगा डिक्रीजिंग हो तो फिर थीटा ओमेगा अल्फा ऑपोजिट आ जाएगा, एल फिर ओमेगा की डायरेक्शन में आ जाएगा और टार की डायरेक्शन अल्फा की डायरेक्शन में होगी। तो ये मतलब अल्फा और एल, अल्फा और सॉरी ये टार्क है, अल्फा और टार्क ऑपोजिट होंगे, बाकी तीनों आप राइट हैंड रूल से फाइंड कर लेंगे। और अल्फा और टार्क जो है ये राइट हैंड रूल लगाने के बाद आप कहेंगे कि ये इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है बिकॉज दी ओमेगा इज डिक्रीजिंग। तो ये आप इन फार्मूलों से मुकम्मल तौर पर डायरेक्शंस को जज कर सकते हैं कि इन तमाम क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड की जाती है। रूल अप्लाई राइट हैंड ही करेंगे लेकिन उसमें ओपोजिट ले जाएंगे अगर डायरेक्शन ओपोजिट हो तो। अस्सलाम वालेकुम सर।